के इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और उनके साइंटिस्टों की जो डिस्कवरी और इन्वेंशंस जो साइंटिस्ट किए हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो साइंटिस्ट पूरे दिन और रात अपना एक कर दिए थे। जी हाँ, और जो मशीन आप अपने लाइफ टाइम में यूज़ करते हो, अगर आपको वही नहीं पता कि उसका इन्वेंटर कौन है तो ये सही नहीं है। तो देर किस बात की, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आजकल सभी लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं और बहुत ही एंटरटेन होते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपना घंटों समय बर्बाद करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, टेलीविज़न का इन्वेंशन जेएल बाय ने किया था। जी हाँ, जो एक स्कॉटिश हैं 1944 में। थर्मामीटर का भी आप यूज़ ज़रूर करते होगे, लेकिन इसका इन्वेंटर कौन है ये आपको पता है? तो मैं आपको बता दूं, इसके इन्वेंटर है फारेनहाइट। जी हाँ, डीजल इंजन। यहाँ पे डीजल इंजन की बात हो रही है, ना कि डीजल की। तो इसके आविष्कारक हैं रुडोल्फ डीजल, जी हाँ, 1897 में, जो कि जर्मनी के हैं। यूरेनियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है, इससे हेनरी बैकरल ने खोज की थी। इंडिया का एक्सप्लोर वास्को डी गामा ने किया था, लेकिन चाइना इतना ओल्ड कंट्री, क्या आपको पता है कि इसका एक्सप्लोर कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, वो 1272 में हुआ था, और इंडिया का तो 1498 में, लेकिन चाइना का बहुत ही समय पहले ही एक्सप्लोरेशन हो गया था मार्को पोलो से। तासमान, ये थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, जो कि एक डच नेविगेटर थे जिन्होंने तास्मेनिया और न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कोई डिस्कवरी या फिर कोई इन्वेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। जी हाँ, ताबेई मिसेस जन को अगर आप जानते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक फर्स्ट एवर वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन मई 16, 1975। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ाई की थी उस पर। ये आसान सुनने में तो लगता है, लेकिन बहुत ही कठिन है, और ये आपको पता रहना चाहिए। इनके बारे में ज्यादातर किसी को नहीं पता, लेकिन पता रहना चाहिए। रेडियम, ये इन्वेंशन कुछ हटके है। जी हाँ, मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, और आज इसी पदार्थ को जलाने से 30 करोड़ घरों में बिजली है। जी हाँ, 1898 में। अब आप एक्सरे तो यूज़ करते ही होगे, अगर आपका फ्रैक्चर हैंड हुआ, या फिर डॉक्टर्स इस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो इसका इन्वेंशन रॉन्जेन ने किया था। जी हाँ, एक्सरे का। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा हटके है, स्पेस से रिलेटेड है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट यूरोपियन साइंटिस्ट, जी हाँ, उन्होंने एक पहले के लोग मानते थे कि जो अर्थ है ना वो सेंटर में है और सूरज चांद सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन कॉपरनिकस जो एक साइंटिस्ट थे, यूरोपियन साइंटिस्ट, उन्होंने ये जो लोग मानते थे इसको नकारा। जी हाँ, और अब आपको आगे तो पता ही होगा कि कौन किसके चक्कर लगाता है, और इन्होंने 1540 में सोलार सिस्टम की खोज की थी। जी हाँ, सोलार सिस्टम की। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको पता रहनी चाहिए, तो सुनिएगा। पता है आपको कि आप एक हैकर हैं? जी हाँ, आप बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी। ये हैक की टिप्स किसी को बताना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।